तो हेलो भाई लोग, राम राम। कैसे हो आप सब भाई? वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। भाई आज का है भाई ये न्यू ब्लॉग। अभी हम आए सिटी से बाहर, हम और अच्छे कुछ खाने पीने। यस भाई, फिर हमें दोपहर में निकलना है इंदौर। तो भाई हम लोग अभी घूम रहे हैं सुबह से, थोड़ा बहुत देख दाख के सामान वामान लेके ब्रेकफास्ट करके और भाई घर जाएंगे। घर जाके भाई फिर दोपहर में निकल जाएंगे हम इंदौर। अच्छा तो डर गई। अरे हमें लगा डर गई। अरे हम देख रहे थे This is NH44, India's longest highway, भाई। कश्मीर से आप स्टार्ट करो, सीधा कन्याकुमारी जाके रखोगे, इसी पे सीधे सीधे चलते जाना। बढ़िया भाई, फुल लाइन है, एक नंबर। इंदौर से हम फुल लाइन पे आते भाई, पूरा RCC डला गुना तक भाई, इतनी गाड़ी वाइब्रेट करती हॉर्न भाई, बेकार सी। इसमें इतनी शांत चलती, बढ़िया शांति में अपने घूमते रहो। एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भर के भाई, इनसे तो संभल के ही चलो, अगर लग गए ना पीछे तो भाई हो ही जाता है कांड। किस्मत खराब थी सो ऐसी आ गई, नहीं तो अब तो मच्छी ढूंढो ना तो बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी 4 लाख में। तो स्विफ्ट और पोलो, पोलो भी 4-5 लाख में सेकंड हैंड बढ़िया। अगर वो तो डिपेंड करता किस्मत पे के कैसी गाड़ी मिल रही, ऊपर भी डिपेंड रहता। अगर तुम पहले से चेक करके चल रहे तो तुम्हें अच्छी मिल जाएगी। सेकेंड हैंड में थोड़ी सी किस्मत की बात है और थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर भी है। अगर तुम्हें आइडिया होगा तो तुम्हें अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, और नहीं होगा तो करना ही पड़ेगा, चेक तो करना ही पड़ेगा। बात यही है, अब चेक करने के लिए 10-15 दिन तो लगेंगे कम से कम, उतने में ही तुम और ले पाओगे। ये ब्रिज का काम लग गया पता है, इधर ओवर ब्रिज बनना जी यहाँ। हाँ अब अच्छा। हाँ अब ये 2-3 साल को नाटक हो गया, इधर ऐसी फैला डला रहेगा ये ओवर ब्रिज बनना वहाँ से। तो सही है यार, फिर तो स्पीड से निकलेंगे मस्त। ये केलगोटे का अड्डा सही में बहुत रिस्की है, मतलब बहुत स्पीड में गाड़ियाँ आती हैं, मेन चौराह पड़ गया इतनी भीड़ में। तो ये डिसीजन तो सही है इसका, क्या बोलते हैं ओवर ब्रिज का, है ना? नहीं तो और मतलब इतने पॉपुलेशन ही बढ़ गई, इतनी भीड़ होने लगी, पहले कहाँ इतनी होती थी। अब तुम भीड़ देखो केलग वहाँ पे जाने वाली। अभी हम आए हैं तेज शेयर पे। तेज ने फोन लगा के बताया था कि उसका कुछ सामान आना है, तो अभी हम इंदौर जा रहे हैं तो उसका कुछ सामान लेके जाएंगे साथ में। उसको ज़रूरत होगी कुछ तो मंगाया था उसने, तो बस अब वो लेके और रखेंगे गाड़ी में और दे देंगे वहीं पे। तो तेज का ले लिया तेज के घर से। अब भाई हम और अच्छे जा रहे हैं भाई अपने घर, थोड़ा भाई भैया की और आए भाई, उसकी वीडियो बना लेंगे और फिर भाई हम इंदौर भी जा रहे हैं। अभी आधा पौन घंटे में निकल जाएंगे और ये भाई दोपहर में जाना है, गर्मी भी बहुत पड़ रही है। प्रवल दाऊ साहब का हो रहा है आई टेस्ट, और इनको चश्मा ना लग जाए बस भाई साहब को, फिर दादा चश्मे से हो जाएंगे। लड़का चश्मा लगा है, चश्मे से नहीं दादा भी। हाँ, एक वीडियो में एक लड़का चश्मा लगाया था, उसने नई साइकिल ली थी, तो एक लड़की कह रही है उसकी वो फ्रेंड थी, मैं इस पुरानी साइकिल को नहीं जैसे करा ली, उसने बोला तो भाई अभी हम गए हुए थे बाहर हॉस्पिटल प्रबल भाई को थोड़ा सा आई टेस्ट कराने। अभी हम अक्षय को उनके घर से उठा के आ गए हैं घर, क्योंकि अब हमें निकलना है इंदौर के लिए। तो भाई अच्छा जी, भैया का सामान उठा लो इसमें से। अच्छा ये स्क्रॉस भी कल से गड़ी है, बेचारी धूल गाती रहती है, ये साफ ही नहीं करता अक्षय का था। तो भाई अभी तो हम आ गए भाई इंजीरा, भाई काम वाम था, साइट पर गए थे तो आज इंदौर नहीं आ पाए। अब भाई कल निकलेंगे सुबह इंदौर, आज तो भाई कैसे भी गाड़ी नहीं चला सकते, थक भी गए, दिन भर हो गया। तो भाई अब तो इंदौर निकलेंगे कल, आज तो पूरा साइट पे ही हो गया। तो भाई पापा जी थे साइट आइट पे साथ में, तो भाई ब्लॉग व्लॉग तो वैसे ही नहीं बना पाते। तो अभी हमें भाई इंजीरा, इधर भी कोई नहीं है, अनुज वगैरह तो सब इंदौर ही हैं, तो भाई अकेले ही हैं। अब देखते हैं भाई को थोड़ा सा सामान निकाल लें, चेंज करने, फिर सुबह निकलना है। अभी सोते हैं भाई आराम से, बढ़िया। तो भाई अभी हम मंजेरा यहीं सो गए थे, अब भाई थोड़ी देर में निकलने हैं भाई इंदौर, क्योंकि कल बहुत रात हो गई थी, और रात तो नहीं हुई थी 10 ही बजे थे, लेकिन भाई इच्छा नहीं थी बिल्कुल भी, और चला भी नहीं पाते गाड़ी। 3-4 बज जाता इंदौर पहुँचते पहुँचते, तो पापा ही ने बोला अब सो लो सुबह ही चलेंगे, तो भाई रुक गए थे इधर ही। ख़राब मंजेरा में कभी नहीं लगा, क्योंकि आज भाई कोई है ही नहीं, अनुज भी इंदौर है, दाऊ साहब आसाम गए मशीन का काम देखने, और छोटू दाऊ साहब भी नहीं है, और भैया जी भी इंदौर हैं। भाई बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि इतना खाली तो कभी नहीं देखा, कोई भी नहीं है घर पे, हमेशा चहल पहल मची रहती है बढ़िया।
इस बार तो कोई है ही नहीं। भाई अनुज की सफारी। तो भाई ब्रेकफास्ट वगैरह करके अब बस हम निकल रहे हैं भाई इंदौर। सब हो गए हैं रेडी, पापा जी बस बैठने वाले हैं गाड़ी में, भाई निकल जाएंगे फिर, क्योंकि भाई फिर लेट भी हो जाता है, 4-5 घंटे लगेंगे अभी भी इधर ही से। गर्मी भी भयंकर पड़ रही है यार। भाई अभी हम आ गए हैं गुना, सामने जा रहे हैं पापा जी। तो भाई अभी बज रहा है 1:30, हम आ गए भाई एक ढाबा पे, भाई यहीं खाना आना खाएंगे, बहुत देर हो गई गाड़ी चलाते चलाते, थक भी गए, एक तो गर्मी भी भयानक पड़ रही। इधर आएंगे कुछ खा पी के फिर निकलेंगे, ज़्यादा नहीं बचा, 100 किलोमीटर और बचा, थोड़ा और बस निकल लेंगे यहाँ से। भाई पापा जी को चाहिए उनकी मेडिसिन, तो उनकी इस बैग में रखी होती हैं। चलो भाई तो आ गए हम इंदौर। तो भाई आ गए हम इंदौर, अभी बज रहा है भाई 4 बज गए भाई। रुकते एक जगह रुक गए थे तो वो ढाबे पे रुक गए थे ना, तो भाई उधर बहुत टाइम लग गया, अभी आ पाए भाई बहुत टाइम में आ पाए, देर भी लग गई, गर्मी भी भाई भयानक थी। भाई बहुत गर्मी पड़ रही यार, मतलब बहुत मुश्किल इस बार, बहुत ऐसा लग रहा था पता नहीं बस जल्दी पहुँच जाए इंदौर, इस बार तो ऐसा लग रहा था कि बस हाँ पहुँच जाएँ जल्दी, जैसे भी पहुँचें। गाड़ी भी नहीं चल रही थी आज तो, एक तो हमने ड्राइवर को भी भगा दिया यार अभी 2-3 दिन पहले, अब दूसरा आएगा जब कभी उससे काम चलाएंगे। भाई गाड़ी तो अब हमने भाई लगा दी पार्किंग में, कुछ सामान देखने कुछ छूट तो नहीं है भाई, वैसे तो कुछ है नहीं, चार्जर की केबल वगैरह डली है तो ये गाड़ी की है, बाकी ये यहीं छोड़ देते हैं। और बाकी भाई ये उठा लेते हैं माजा की बोतल, ये ठंडी करके पी लेंगे बढ़िया, ऊपर गर्मी है ही। भाई अब हम जा रहे हैं ऊपर भाई, अब तो सो जाएंगे यार, अब तो भाई रेस्ट करेंगे बड़ी। सही बताओ एक हफ्ते नहीं थे तो तुम्हें भाई याद नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई तो होगी थोड़ी सी, बिल्कुल नहीं आई है, आई तो होगी थोड़ी सी, काहे क्या आई, रोए रोए हो गए तुम, हम क्या करूं भाई। अनुज हमें कल फोन लगा के रो रहे थे कि तुम जल्दी आ जाओ इंदौर। झूठा ऐसे फोन है, हमने 7 दिन में कब फोन लगाया था ना, कल तुम आ रहे थे इसलिए लगाया, आ जाओ रो रहा था ना मैं कल फोन लगा के। वाह गजब, 2 घंटे सोने के बाद भाई अभी हम उठे हैं भाई 9 बजे, 6-7 घंटे गाड़ी चलाई तो भाई थक गए थे। तो भाई आज के लिए इतना ही काफ़ी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।